गोल्फ बॉल के लिए सिमुलेशन है, पीला कोड देख लेते हैं उसका, ये वो इक्वेशन है, सारे इक्वेशन जो हमने ड्राइव किए हैं थ्योरी में, तो अब देखते हैं इनका कोड। तो ये मैंने डिफाइन कर लिया इसका इक्वेशंस के लिए कोई डेटा टाइप, वी एक्स हमारे पास वी वाई है, उसके बाद एक्स वाई डी टी टाइम्स स्टेप है, और ड्रैग कोफिशिएंट रो के क्रॉस सेक्शन एरिया, वी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है, और एस नॉट जो हमारे पास स्पिन कोफिशिएंट था, और एम मैस है, और डब्ल्यू हमारे पास वो मैग है। इन तीनों को जैसे कि मेरे बुक में मेंशन है, तीनों को मैं इकट्ठे एक ही वैल्यू दूंगा, तो ये एस नॉट मैगा और एम को इकट्ठे एक वैल्यू दूंगा, तो ये हमारे पास है मैस ऑफ बॉल। ये रही मेरे पास एक्टिव इक्वेशन, ये मेरे पास ये एक्स के लिए इक्वेशन है, और ये एक्स वेलोसिटी के लिए, ये पूरा ड्रैग कोएफिशिएंट रो एरिया वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी है कंपोनेंट, और नीचे मैस, और इसके बाद स्पिन मैस और ओमेगा इकट्ठे, और स्पिन का ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और एस डी टी टाइम स्टेप के साथ। इस तरह मेरे पास बाकी दो इक्वेशन है, डिस्टेंस के लिए वाई, और ये वाई वेलोसिटी के लिए, ड्रैग कोएफिशिएंट एरिया वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाई कंपोनेंट, और इसी तरह मेरे पास ये है। तो इसमें मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशन भी ऐड कर दिया, ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट। तो ये जो प्लस इक्वल टू साइन है वो बेसिकली, अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहते हो तो एस डॉट ये एक्स है, ये यूं है। अगर आपने इसको इकट्ठा लिखना है इस एक्सप्रेशन को, कि ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल के बाद सम के साथ फिर आए, इस एक्सप्रेशन को इकट्ठा लिखने का तरीका ये होता है प्लस, और ये आप यहाँ से माइनस, तो इसी तरह ये जो एक्सप्रेशन है प्लस माइनस करोगे तो ये प्लस का मतलब है कि यहाँ पे एस डॉट बी एक्स इकट्ठा आके यहाँ एम्बेड होगा, तो प्लस माइनस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप दोनों इकट्ठा लिख सकते हो, इस वजह से प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है ये। मजीद आप इसका मैनुअल में देख सकते हैं। तो ये मेरे पास हो गया स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन के बाद मैंने डिफाइन की है तीन गोल्फ बॉल, ये गोल्फ बॉल है, और वेलोसिटी जैसे कि मैंने बताया कि वेलोसिटी मैंने ली है वी इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड, तो इसका अगर आप कंपोनेंट फाइंड करोगे एट एंगल, एंगल मैंने लिया है थीटा इज इक्वल टू 9, तो थीटा 9 डिग्री है, तो उस पर अगर आप एंगल लोगे तो आपके पास ये एक्स कंपोनेंट ये आएगा और वेलोसिटी का, और वाई कंपोनेंट आपके पास ये होगा, तो ये वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट हो गया। जैसे जिस सीक्वेंस में मैंने नंबर साइन किया उसी सीक्वेंस में आपके पास ये गिवन है, या फिर आप यूँ कहेंगे जिस सीक्वेंस में ये गिवन है उसी सीक्वेंस में मैंने नंबर असाइन किया, तो ये वी एक्स, ये वी वाई, ये एक्स, ये वाई, और आपके पास है ये 0.5 dt, और यहाँ पे भी इसको हम रिमूव कर दें, ये मेरे पास है 0.5 dt, ये भी dt, ये भी dt, और सी मैंने लिया है एक 0.1, और रो मेरे पास है 1.275, और एरिया क्रॉस सेक्शन है 1.43 ई मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। तो ये आप कैसे ले सकते हो, आप ये देखो गोल्फ बॉल का जो वो रेडियस क्या है, रेडियस आप उससे क्रॉस सेक्शन एरिया ले सकते हो। ये रही उसकी वेलोसिटी, ये एस नॉट एम ओमेगा बुक में जो ऐसे वैल्यू गिवन है, जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है वो मैंने वैल्यू असाइन की है, और ये है मैस ऑफ गोल्फ, तो ये आप नेट से ले सकते हो गोल्फ का मैच क्या होता है। तो इसी तरह मैंने ये तीन चार बॉल्स बनाई हैं, इन बॉल में जो कोएफिशिएंट चेंज किए हैं मैंने सिर्फ ये चेंज है ये, और ये एस नॉट स्पिन चेंज है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्पिन के लिए, तो पहला मेरे पास होगा पहले जो ट्रिजेक्टरी होगी वो गोल्फ की वो एक्स्ट्रा स्पिन होगी, दूसरी है 0.25 से नॉर्मल ड्राइव है, वो सभी ड्राइव कोएफिशिएंट सेम है, फिर मैंने एस नॉट को जीरो कर दिया तो नॉट स्पिन है, तो कोई स्पिन नहीं होगी तीसरी बॉल की, चौथी बॉल है स्मूथ बॉल मैंने प्रिडिक्ट की है, मॉडल की है, वो कैसे मॉडल करोगे आप कि ड्रैग कोएफिशिएंट एस नॉट आप 0.25 ले लो और 0.25 आप 0.25 ले लो आप स्पिन, तो ये मॉडल होगा जो गोल्फ बॉल का आपके पास स्मूथ बॉल के लिए। तो इसको मैं प्लॉट करूंगा, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी, आपको बताता है जैसे कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं ये नंबर ऑफ प्लॉट नंबर प्लॉट है, मार्कर साइज सही है, एक्स एक्सिस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं, एक्स एक्सिस मीटर्स में है,
लिमिट इसकी 0 से 250 है। फॉन्ट आप मेंशन कर सकते हो, पहले मैंने मेंशन कभी नहीं किया, तो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह वाई एक्सिस के लिए ये लेबल है और ये हमारे पास टाइटल है। तो ये मेरे पास हो गया है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद मेरा जो लास्ट स्टेप है वो है एनिमेशन का। पहले मैंने आपको जिफ बनाना सिखाई थी, तो इससे भी आप जिफ बना सकते हो। ये दूसरा तरीका है जूलिया में जिफ बनाने का। तो ये एनिमेट है, एनिमेट आपको काफी चीजें कंट्रोल करना करके दिखा सकता है कि आप जैसे कि जिस से आपकी फाइल बनती थी उसका नाम हमेशा टेम्प रहता था, तो इस केस में आप नाम भी खुद से इसका स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एनिमेट बनाने का क्या तरीका है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाएं जो है एनिमेशन एनिमेट टाइप का हो, और एग्जैक्टली जैसे जिस में हम करते हैं इसके नंबर ऑफ पार्टीशन देनी है आपने 1 से लेकर 240 मैंने दी है। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया कि आपने नंबर ऑफ पार्टीशन कैसे कैलकुलेट करने हैं, बिल्कुल ऐसे मैंने किए हैं। तो वन बाय वन स्टेप मैंने मूव किया, तो स्टेप मूव करने के बाद मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो स्टेप मैंने वन बाय वन मूव किया, उसके बाद ये मैंने ग्राफ पे तीनों चारों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। तो फ्रेम रेट मैंने क्या लिया, पहले तो था एंड एवरी 22 था, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम रेट भी आप खुद डिसाइड कर सको कि फ्रेम रेट क्या हो। फ्रेम पर सेकंड वो मैंने 30 लिए, और मेरी फाइल का नाम होगा ये, और ये किसको किससे फाइल बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट से एनिम से, तो यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो चले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास, कंपटीशन कंप्लीट होगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये मेरा पास पहला प्लॉट था जिससे एक्सेस पिन मैंने दी थी। देखिए एक्सेस पिन हमें किसका कितनी ऊपर ट्रेजेक्टरी लेके जा रही है, जैसे कि हमने बुक में देखा था। ये रेड में है नॉर्मल ड्राइव, और ये जो ग्रीन में आपको नजर आया नो स्पिन, कोई स्पिन मैंने नहीं दी, लेकिन ये जो पर्पल में है ये गोल्फ बॉल ही है, लेकिन मैं इसको मॉडल किया है स्मूथ बॉल से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्मूथ बॉल कितनी पहले गिर जाती है, तो इस वजह से जो गोल्फ बॉल है उसके ऊपर डिम्पल होते हैं, और सॉर्ट ऑफ कोई टर्बुलेंट फ्लो अपने गिफ्ट बना लेती है डिम्पल्स की वजह से, जिसकी वजह से ड्रैग अफेक्ट्स उसके ऊपर कम हो जाते हैं, ड्रैग फोर्स कम हो जाती है। तो इस वजह से आप ट्रेजेक्टरी देख रहे हो कि मोर देन डबल है एज कम्पेयर टू स्मूथ बॉल। आप चाहें तो इसी मॉडल को लेके आप मजीद इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। आप पोंग जो बॉल है उसको भी इस तरह आप मॉडल कर सकते हो, उसमें भी स्पिन आप अफेक्टिंग यूज करके उसकी भी ट्रेजेक्टरी ड्रॉ कर सकते हो।